रास्ता उस सकल मरण के आता। वो कहने लगा सब सजग हो जाइए और गंगा जी के किनारे को रोक लीजिए, अब मरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भरत से युद्ध करना कोई खेल नहीं है, बड़े शक्तिशाली है वो, उनकी सेना बहुत बड़ी है, हम तो छोटे राजा है, किसान जाति के राजा है, इसलिए हम उनसे पूरा युद्ध तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन राम काज अरु सुरसरी तीरा, हम राम के लिए और इस गंगा के किनारे अपने शरीर का त्याग करें, इसलिए तुम सब सजग हो जाओ। और इतने उसकी सेना तैयार हो गई। जब सेना तैयार हो गई तो निषाद राज ने देखा, तुलसीदास लिखते कि देखी निषाद नाथ भल टोडू कहे वो बजाओ जुठाऊ ढोलू। तो निषाद राज ने आज्ञा दे दी कि युद्ध का नगाड़ा बजा दो, भरत की सेना नजदीक आ गई है। जब उसने आदेश दिया कि युद्ध का नगाड़ा बजाओ, इतना कहते ही क्या हुआ जानते हो, इतना कहत छीक भई पाए, इतना जब उसने कहा इतने उसके बाएं तरफ किसी ने ठहाक दी, छीक मार दी। ये हमारे यहां शगुन अपशगुन का विचार बहुत वर्षों से चला रहा, पता नहीं कब से चला रहा है, और ये सत्य भी है, ऐसी घटनाएं सत्य घटित होती है। जब किसी ने छीक मारी बाएं तरफ तो जो पड़ा कि आदेश देते छीक पड़ गई बाएं तरफ, क्या किया जाए? तो उसके साथ जो ज्योतिषी थे उन्होंने कहा, नौजवान ज्योतिषी जो थे, इतना कहत छीक भई बाएं कहे वो सगुनियन खेत सुहाए। तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये बाएं तरफ छीक हुई है, ये हमारे विजय की सूची में, हमारी विजय होगी। ये कह तो दिया, लेकिन वहां पर एक बूढ़ा ज्योतिषी था, तुलसीदास लिखते हैं बूढ़ा ज्योतिषी, उसने अपना कंपटीशन शुरू कर दिया। तो बूढ़ एक कह सगुन बिचारी भरत मिलिए नहीं है हिलारी। बूढ़े ने कहा कि देखो भाई, मेरा सगुन ये कहता है कि भरत से लड़ाई नहीं होगी, तुमसे मित्रता होगी। क्यों होगी? कहता मेरे सगुन के अनुसार राम ही भरत मनावन जाही सगुन कह असविग्रह नाही। मेरा सगुन ये कह रहा है कि राम भरत राम को मनाने जा रहे हैं, लंका अयोध्या लौटाने के लिए जा रहे हैं, ये लड़ने नहीं जा रहे हैं, ये मेरा सगुन कह रहा है। जब बूढ़े ज्योतिषी ने ये कहा, आप लोग जानते हो ना, जवानी में जोश होता है, होश नहीं नहीं होता, और बुढ़ाई आ जाए तो फिर होश होता है तो जोश निकल जाता है। तो क्या ऐसी कोई अवस्था है जिसमें होश भी रहे और जोश भी रहे? कहां वो कौन सी अवस्था है? क्या समाज में यदि बूढ़ों का आदर हो, जवान लोग उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहें, तो जोश जवानी का और होश बुढ़ापे का मिलकर के एक सुंदर समाज की रचना कर सकता है। परिणाम यही हुआ, जिस समय बूढ़े ने कहा कि मेरा सगुन ये कह रहा है कि भरत से मित्रता होगी, भरत राम को मनाने जा रहे हैं, युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, तो सुनी वचन, जो बूढ़े की वचन सुनी, तो निषाद राज ने कहा वो राम का अनुयायी है, राम का भक्त है, राम के संस्कार है, उसके हृदय में वृद्धों के प्रति आदर है। उसने कहा कि नहीं, बूढ़े ने ठीक कहा, बूढ़े ने ठीक कहा है, सहसा करी पचिताई भी बूढ़ा, जो आदेश में आकर के काम करते हैं वो मूर्ख है और बाद में पश्चाताप करते हैं, इसलिए सुनी गुण कह नीक कह बूढ़ा। निषाद राज ने कहा कि वृद्ध ने सही सलाह दी है, सहसा कर पछताई भी बूढ़ा, भरत स्वभाव शील बिन बूझे पड़ी ही आदि जान बिन जूझे। क्या भरत के पहले शील स्वभाव की परीक्षा तो करो, और बिना जाने भरत से युद्ध करने में हानि हानि है,
सीता तुझ पूछे सब काहू, तो सबको दक्षिण दिशा में भेजते हैं भगवान। और दक्षिण दिशा में जाते समय जामवंत उनके साथ एक ही वृद्ध है वहां पर, बाकी सब जवान, एक वृद्ध है जामवंत और बाकी सब सब जवान है, सब वीर है, जामवंत भी वीर है लेकिन है वृद्ध। और ये सब दक्षिण दिशा में चले गए। जब समुद्र के किनारे संपाती ने बताया कि उस पार जाना है जहां सीता है, जो लंका में जाए समुद्र नाग है, लंका जाए वही सीता की सुधी ले आवे, तो सब विचार करने लगे वहां पर। और विचार में निश्चय हुआ कि हम सबके बस की बात नहीं है, जामवंत वृद्ध थे, उन्होंने कहा भाई सब आगे बढ़ बढ़ करके अपनी बल बखान रहे हैं, लेकिन यहां मालती नहीं दिखाई दे रहे, हनुमान जी कहां चले गए। तो जब वहां सब अपना बल बखान रहे थे, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा, सबने अपने अपने पुरुषार्थ का वर्णन किया, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो कहे कि मैं पार चला जाऊंगा। तो जामवंत ने कहा भाई हनुमान कहां है उनकी तलाश करो। और हनुमान जी एक चट्टान पर बैठे हुए नेत्र बंद करके अपने प्रभु का ध्यान कर रहे, अब उनको कौन जगावे। जामवंत ने ललकारा उनको, जामवंत को सुन हनुमाना, का चुप साधि रहा बलवाना। हे बलवान हनुमान, तुम बैठ करके क्या साधना कर रहे हो, किसकी साधना कर रहे हो। हनुमान जी चौंक पड़े, बात क्या है। अरे कहा राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा अवतार ही राम कार्य की सिद्धि के लिए हुआ है। इतना सुना था कि सुनते ही भय पर्वताकारा, सिंह नाद कर पार ही बारा, लील जलन दिखा। हनुमान जी अपने रूप में आ गए। और वहां पर यद्यपि उस सेना का सेनापति अंगद था, जामवंत नहीं था, सेनापति अंगद को बनाकर भेजा गया था, ये टुकड़ी में हनुमान जी थे। लेकिन जब लंका जाने की बात आई तो हनुमान जी ने सेनापति से राय नहीं ली, क्या समझे, सेनापति से राय नहीं ली, राय किससे ली उन्हें, जामवंत से। इसलिए जामवंत से प्रार्थना करते हैं कि जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजे मोही। हे जामवंत मैं आपसे पूछता हूं, मुझे लंका में जाकर क्या क्या करना है, मेरे कहने का अभिप्राय जिस समाज में वृद्ध हो यदि कोई संकट की स्थिति आवे तो वृद्ध से राय लेनी चाहिए, क्या करना है, जो से नहीं हो से काम ले, क्योंकि बल के साथ यदि बुद्धि हो तभी सफलता मिलती है। याद रखो कर्नल टाड ने अपने राजस्थान के इतिहास में लिखा है कि जितनी शक्ति राजपूतों में थी राजस्थान के, ये सारे विश्व पर शासन करने के सामर्थ्य रखते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास बुद्धि नहीं थी, इसलिए आपस में लड़कर मर गए थे। बिना बुद्धि के बल पार्श्विक बल हुआ करता है, जैसे हनुमान जामवंत की सलाह से काम करते हैं, ऐसे ही जब लंका में युद्ध का नगाड़ा बज जाता है तो तुलसीदास लिखते हैं कि यहां प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुढ़ाई। तो भगवान राम अपने दल को, दल के वीरों को एकत्रित करके सबसे पूछते हैं भाई बताओ अब अपन क्या करें, क्या करना चाहिए। तो वहां पर जामवंत जी खड़े हो जाते हैं और जामवंत जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं प्रभु मेरी एक प्रार्थना है कि रावण को एक चांस और देना चाहिए, इसके लिए क्या किया जाए। तो जामवंत ने बताया कि दूत पठाइए बाली कुमारा, अंगद को दूत पठाकर भेज दिया जाए। भगवान ने तुरंत जामवंत की बात मान ली और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात, ठीक सलाह जामवंत दे रहे हैं, अंगद को दूत बनाकर भेज दिया गया। यानी कहीं भी आप देखिए राम और राम के अनुयायियों के हृदय में वृद्धों के प्रति आदर है। हम आप सभी राम को अपना पूर्वज मानते हैं, मानते हैं, हाँ।
विशेष करके आप लोगों ने पढ़ा होगा विचित्र नाटक में तो दशम गुरु ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वह परमात्मा राम रूप में अवतरित हुआ और उसी राम के पुत्र थे लव और कुश, जिसके वंश में ये बेदी और सोडी वंश का जन्म हुआ है और पूरे क्षत्रिय समाज यहाँ के उसी की संतान है। या जो जाट जाति के लोग हैं, जाट वर्ग के, ये सब चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, ये जिट कहे जाते हैं। आप जरा पढ़िए पटियाला महाराज का पूर्व का यानी उनके जो परिचय है उसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हम भाटी राजपूत हैं और भाटी वंश जो है ये चंद्रवंश की संतान है, जिस वंश में भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ है। मेरे कहने का पता है कि हम आप सभी राम और कृष्ण की संतान है, लेकिन परिणाम क्या हो रहा है? क्या हम राम और कृष्ण की तरह वृद्धजनों को आदर देने के लिए तैयार है? क्या उनके प्रति वही सद्भावना आज भी हमारे हृदय में बन रही है? नहीं। आचरण हो रहा है रावण के, सुनते रामायण है करते रावणायण है, कहां से कल्याण होगा? सोचिए जरा, रावण के दरबार में वृद्धों के लिए स्थान नहीं है? ना ना, बिल्कुल नहीं। रावण के सभा में केवल एक वृद्ध है मंत्री, एक वृद्ध, उसका नाम था माल्यवान। ये माल्यवान कौन था? तुलसीदास लिखते हैं रावण मात पिता मंत्री वर। रावण की माता जो एकसी थी, उसका पिता तीन भाई थे, माली सुमाली माल्यवान। तो सुमाली की पुत्री थी एकसी और माल्यवान उसका चाचा लगता है, चाचा यानी नाना लगा उसका। तो रावण के माँ का वो पिता है एक प्रकार से और रावण का नाना लगता है माल्यवान। वही एक वृद्ध मंत्री था रावण के दरबार में। जब विभीषण अपनी बात कहते हैं और ये कहते हैं कि ऋषि पुलस्त ने हमें यह संदेश भेजा है, तो वहां पर केवल एक व्यक्ति है इस दरबार में जो विभीषण के वचनों का समर्थन करता है। मानवंत अति सचिव सयाना तासु वचन सुनी अति सुखमाना। वो माल्यवान विभीषण की बात को सुन करके अपने आप में अत्यंत प्रसन्न होता है और वो रावण के सामने कहता है कि तात अनुज तव नीति विभूषण। हे ताप, ये तुम्हारा जो छोटा भाई है ये नीति का ज्ञाता है, नीति विभूषण है, इसलिए सो मूर धरो जो कहता विभीषण, विभीषण जो कहता है उसको अपने हृदय में धारण करो। लेकिन रावण ने क्या कहा कि अच्छा नाना जी मानता हूं, ना ना, क्या कहा? तुरंत रावण को क्रोध आ गया और अपने नाना से कहता है कि रिपुत कर से कहत सठ तो, अरे मूर्खो, तुम दोनों मेरे सामने मेरे शत्रु की बड़ाई कर रहे हो। तो नाना को मूर्ख सठ कहता है, यहां केवल सठ ही कहा, लेकिन जब पहले दिन का जो हुआ और पहले दिन के युद्ध में आधी सेना उसकी मर गई, तो रावण ने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुलाकर पूछने लगा, बताइए अब क्या कहा किया जाए, आधी सेना मर गई है एक दिन के युद्ध में, आगे क्या होगा? तो माल्यवंत ने कहा, कहा रावण मेरी प्रार्थना सुन, तू हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुपे तब बलवाना जो पारो सोई अवतरो कृपा सिंधु भगवान। आज जिस परमात्मा ने, जिस विष्णु नारायण ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध किया, जिन्होंने मधु और कैटव का वध किया, वही नारायण राम रूप में अवतरित हुए, इसलिए तुम राम से बैर मत करो। तो फिर क्या किया जाए? राज समर्पण जाए भजे रघुनाथ, क्या सीताराम को लौटा दो और ये राज मेघनाथ को सौंप दो और तुम जाकर वन में भगवान का भजन करो। ये युद्ध करके अपने सारे देशवासियों का नाश क्यों कर रहे हो? ये किसने कहा? माल्यवान ने। उत्तर में रावण
वनवास में चला गया। रावण के दरबार में या आसुरी शक्तियां जहां प्रबल होती हैं, वहां वृद्धों का आदर नहीं होता, और जहां सात्विक लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, उस समाज में वृद्धों का आदर होता है। अब आप लोग स्वयं समझ लीजिए कि अपने वृद्धों का आदर करके आप उस वर्ग में जाना चाहेंगे या उनका तिरस्कार करके उनके लिए ओल्ड हाउस बना करके उस वर्ग में जाना चाहेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। अब तो भारत में ओल्ड हाउस बनाना एक फैशन बनता चला जा रहा है। जिस शहर में देखो वही ओल्ड हाउस बन रहा है, क्योंकि बूढ़े घर से निकाले जा रहे हैं। क्या कहा है? मैं आप लोगों को बता रहा था कि विभीषण की बात का समर्थन केवल एक वृद्ध ने किया, माल्यवान। लेकिन जब रावण ने माल्यवान को डांटा, तिरस्कार किया उसका, और उसे यह हाथ कह दिया कि रिपुत कर सर कहत सठ दो, तुम दोनों मूर्ख हो, सठ हो, दोनों हमारे सामने शत्रु की बड़ाई करते हो, और स्वयं नहीं उठा, दूरी न करो यहां है को। अरे कहा कोई है नहीं नौकर, इन दोनों को धक्का मार के बाहर निकाल दो। माल्यवान ने सोचा कि भाई धक्का लगे उससे पहले उठ चले जाओ, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तो तुलसीदास लिखते हैं कि मालवंत गोरी, मालवंत टूट कर चला गया, वो अपमान नहीं सह सका। लेकिन विभीषण कहे विभीषण पुली कर जोरी, हाथ जोड़ करके विभीषण फिर बैठ गया, हाथ जोड़ कर बैठ गए, प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना में बहुत अच्छी बात थी, आप लोगों को मतलब भी, इस समय की जो स्थिति है उसको देखते हुए ही मैंने आप लोगों को ये विभीषण चरित्र सुनाने का प्रयत्न किया। याद, विभीषण एक राष्ट्र भक्त है, देश भक्त है, समाज भक्त है, और परिवार भक्त भी है। मनुष्य का जीवन परिवार से, समाज से, राष्ट्र से जुड़ा हुआ होता है। वह स्वार्थी व्यक्ति जो केवल अपना सुख चाहता है, उसे परिवार, समाज और राज की चिंता नहीं होती। लेकिन जो भक्त है, जो साधु वृत्ति का है, सज्जन है, वो अपने भोग के लिए नहीं, वो अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए सदैव चिंतन करता रहता है। विभीषण को यह भय है, भय है कि रावण के अन्याय से हमारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, पूरा समाज नष्ट हो जाएगा, पूरा राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। और अब राम की सेना आ गई समुद्र के किनारे पर, राम को समुद्र पार करके आने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विभीषण जानते हैं अकेले हनुमान चाहे तो पूरी राम की सेना को लाकर यहां रख सकते हैं। जो हनुमान त्रिकुट को पार करके राम के सामने ले जा सकते हैं, वो हनुमान अपनी सारी सेना को उठाकर यहां नहीं रख सकते क्या? सब कुछ करने में समझ रहे हो? इसलिए विभीषण सोचते हैं कि एक बार फिर कोशिश करके देखो, हारना नहीं चाहिए, और यदि फिर काम नहीं बना तो कोई दूसरी युक्ति निकालेंगे। परिणाम क्या हुआ? विभीषण इतना हाथ जोड़ करके बोले, माल्यवंत कलौ बहोरी कहे विभीषण पुनि कर जोरी, हाथ जोड़ करके। फिर वो एक वही सिद्धांत की बात, एक बात और पहले तो मैंने बताई थी कि संत का संदेश व उपदेश सार्वभौम हुआ करता है, एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। यद्यपि वो एक व्यक्ति को लक्ष्य कर कोई बात कहता है, वो भी उसकी बात सार्वभौम सत्य होती है, सार्वभौम होती है, सबके लिए हितकारी होती है। अब यहां पर विभीषण की बात सुनिए, तो कहते हैं सुमति कुमति सबके उर बसई, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अतकाई। ये नाथ पुराण और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि सुमति और कुमति सबके हृदय में निवास करती है। एक बात याद रखो, मनुष्य जीवन जो है वह केवल गुणों का ही भंडार नहीं है,
वह दोषों का भी केंद्र है। क्यों? उसका कारण समझ लीजिए मेरे से। ये जीव 84 लाख योनियों से होकर के तब मनुष्य शरीर में आया है। लक्ष्य 84 द्रव्या पर ऊपर क्यों आए होगा आप लोगों ने 84 लाख योनियों का संस्कार उसके चित्त में है। अब वो 84 लाख योनियां नीचे की योनियां है, आखिरी योनि पशु की योनि है। स्थावर विस्तीर्ण लक्षण जलजम च नवलक्षकम कृमश्च रुद्र लक्षण च दशलक्षण च पक्षिणा त्रिशलक्षण पशुनां च चतुर्लक्षण च वानरा। ये 84 लाख और ततो मनुष्यता प्राप्त तथा कर्माणि साले। अब ये 84 लाख योनियों के पश्चात मनुष्य शरीर मिला है। अब ये उसके कर्म के ऊपर अवलंबित है। कर्म अच्छा करे तो ऊपर जाए, बुरा करे तो नीचे गिरे। फिर अब ये 84 लाख योनियों का संस्कार तो उसमें है ना, और वो है पशुता का संस्कार। यही पशुता का संस्कार जब मनुष्य जीवन में प्रकट होता है तो उसको असुर व राक्षस कहते हैं, याद रखो। और मनुष्य होने के नाते उसमें बुद्धि आई तो दैवी गुण आ गया। अब दैवी गुण आ गया तो उसे देवत्व का भी उसमें स्थान हो गया। अब प्रयोजन तो यह है कि जिसने अपने जीवन से पशुता का निराकरण कर दिया, पशुता के संस्कारों को नष्ट कर दिया और दैवी गुणों का विकास किया, वो तो महापुरुष बन गया। और जिसके जीवन में दैवी गुण दब गए, पशुता के संस्कार प्रबल रहे, वो राक्षस बन गया। अब ये मनुष्य के शिक्षा दीक्षा पर अवलंबित है, शिक्षा दीक्षा पर अवलंबित है कि उसके पशुता के संस्कार का निराकरण हो और उसमें दैवी गुणों का विकास हो। एजुकेशन का एक मतलब रहा है उद्देश्य रहा शिक्षा का। लेकिन अब ये उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो आप लोग ज्यादा जानते हो। यहां पर विभीषण यही बता रहे हैं कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसमें पूर्ण रूप से गुण ही गुण हो और कोई ऐसा नहीं जिसमें दोष ही दोष हो। गुण और दोष दोनों का संगम है मनुष्य शरीर। पशुता के संस्कार का दोष नीचे की योनियों से आया हुआ लेकर के वो संस्कार दोष रूप में, और बुद्धि के प्रकाश में जो दैवी गुण है वो गुण रूप में है। यही विभीषण समझा रहे हैं कि सुमति कुमति सबके उर रही। जहां दैवी गुणों का स्थान है वहां सुमति होती है, जहां पार्श्विक गुणों का स्थान वहां कुमति होती है। तो सुमति कुमति सबके उर रही नाथ पुराण निगम अस कही। ये नाथ वेद और पुराण ये कहते हैं कि सभी मनुष्यों में सुमति और कुमति का स्थान है। लेकिन जो व्यक्ति कुमति को दूर करके सुमति की प्रतिष्ठा कर लेता है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां सुमति शुद्धमति का प्रकाश होता है वहां तो नाना प्रकार की संपत्ति होती है, वैभव होता है। लेकिन जहां कुमति का प्राबल्य होता है वहां विपत्ति और विनाश, निदाना माने विनाश, तो विपत्ति और विनाश होता है। अब आप बताइए, कोई ऐसा साहस कर सकता है कि रावण के सामने ही उसको ये कह दे, क्या कह दे जो भीषण कहने जा रहे? तो कुमति बसी विपरीता। रावण के दरबार, रावण के सामने तो कुमति बसी विपरीता। इसलिए हित अनहित मानव विपरीता, आपके हृदय में प्रभु कुमति का इस समय साम्राज्य हुआ है। इसीलिए आप जो हित की बात कहता है उसको तो आप शत्रु मानते हो, अनहित मानते हो, और जो आपकी चापलूसी करता है उसको आप मित्र मानते हो। तो कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानव विपरीता। लेकिन याद रखो काल रात निश्चल कुल केरी तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। ये सीता जो है ये काल रात्रि के समान है, काल रात्रि, और ये काल रात्रि निशाचर कुल को नष्ट करने वाली है और उसकी सीता पर अत्यंत
की हो गई है। लेकिन याद रखो, यदि सीता को आप नहीं लौटाए तो संपूर्ण लंका का विनाश अवश्य भावी है, और यदि आप लौटा देंगे तो अपने सहित लंका की रक्षा कर लेंगे। बहुत लंबा उपदेश है विभीषण का, छोटा सा नहीं है। लेकिन जब वो उपदेश को नहीं मानता तो आखिर में अपना हथियार प्रयोग करते हैं छोटे भाइयों ने बना दे। किताब चरण कही मांगो राखो मोर दुलार, हे तब मैं आपके पांव पकड़ करके याचना कर रहा हूं। और छोटे का दुलार रखना ये बड़े का काम है, तो आप मेरे दुलार की रक्षा के लिए। तात चरण कही मांगो राखो मोर दुलार, क्या मांगते हो? का सीता देव राम कह पही तो हो ही तुम्हार, आप सीता राम को लौटा दे, इससे आपका अहित नहीं होगा, यानी पूरे लंका का कल्याण होगा। लेकिन मामला दूर नहीं रहा, जब नहीं कहा देन बे दे ही, जब कहा कि सीता दे दो तो तुरंत रावण को क्रोध आ गया और चरण प्रहार की चतुर्दे, तुरंत उठ करके रावण ने विभीषण को एक लात मारा। वो बैठ करके प्रार्थना कर रहा था, वही एक लात मारा और झगड़ाता हुआ नीचे गिर। लेकिन जब मारा रावण ने तो विभीषण ने ये नहीं कहा कि अब मैं तुमसे खबर ले लूंगा तुम्हारे, नहीं, उत्तर में क्या कहा? तुम भी दूसरी भले महिमारा, तुम मेरे पिता के बराबर हो, भरी राज दरबार में यदि मुझे लात मार करके मेरा अपमान किया, इससे मेरा कोई अपमान नहीं हुआ। जब पिता यदि पुत्र को मारता है तो उसके अपमान की क्या बात है? तुम भी दूसरे से भले मुहिमारा, लेकिन राम भदे हित नाथ तुम्हारा, लेकिन अभी मैं तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। एक बात याद रखिए, संत जिसी समाज में जाता है यदि कोई उसका आदर करता है तभी वो हित की बात कहता है, उसका अपमान करता है तभी वो हित की बात कहता है, और यहां तक जब उसे लात मारता है तभी वो हित की बात करता है। पहले विभीषण आए तो उनका स्वागत हुआ, अवसर जान विभीषण आवा राधा जन शीष के इलावा। रावण ने पूछा तो हाथ जोड़कर बोलने लगे, मति अनुरूप कहो हित दाता। जब रावण ने तिरस्कार किया कि दूर निकलो यहां है पाऊ, तब भी विभीषण ने हित की बात कही।